नमस्कार। इस वक्त हम जीआरडी जमशेदपुर इस्पात नगरी के स्पोर्ट कम्प्लेक्स से मैं शमीम आलम बोल रहा हूँ। हमारे साथ इस वक्त हैं सरकार वुमेन फुटबॉल एकेडमी की प्रेसिडेंट सुनीता जायसवाल मैडम हमारे साथ हैं। सुनीता जायसवाल मैडम, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स जमशेदपुर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जीआरडी में आपका हार्दिक स्वागत है, और दूसरी तरफ आपको हार्दिक बधाई हो। आज आपकी टीम जो है वो यहाँ पे विजयी हुई है। अर्बन सर्विस को उन्होंने एक के मुकाबले दो गोल से पराजित किया। पहला गोल जब स्कोर हुआ ये रानी रविदास के द्वारा, तो आप मैच देख रही थी, कैसा महसूस हो रहा? सर, मेरी टीम बहुत मेहनत करती है, और चूंकि गांव-गांव से बच्चे लोग को हम लोग सेलेक्ट कर करके और महिला जो खिलाड़ी है उनकी प्रतिभा को अच्छे से जागृत कर देखते हुए उनको ग्राउंड तक लाने में जो सरकार दा का मेहनत और हमारे कोच दा का मेहनत है, वही हमारे ग्राउंड में रंग लाया है। ये ग्रास रूट से ये खिलाड़ी आती हैं, जैसे आप बता रहे हैं बहुत सुदूर क्षेत्र से लड़कियां इस मैदान में खेल रही थी आपकी टीम की तरफ से, तो इनको आप आर्थिक इनका जो होता है परिस्थिति जो इनके सामने आती है आगे फुटबॉल खेलने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है उसको आप लोग कैसे क्षतिपूर्ति करते हैं? हम लोग हमारे टीम के सभी सदस्य उनका हमेशा देखभाल करते हुए जो भी ज़रूरत का सामान है वो उनको मुहैया करते हैं, और चाहते हैं कि हमारी टीम हमेशा आगे बढ़ने के लिए जो जो उनको ज़रूरत है, खान पान का, प्रोटीन का, उनके जर्सी का, उनके शूज़ का, सब तरह का हम लोग उनको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आने देते हैं। बहुत अच्छी बात। भविष्य में और क्या संभावनाएं नज़र आ रही है इन बच्चियों में? सुनीता जी, आपकी नज़र में क्या नज़र आ रही है? देखिए भैया, जो ग्राउंड लेवल से बच्चे ऊपर आ रहे हैं वो बहुत हिम्मती होते हैं और बहुत सबल होते हैं। उन लोग को आगे बढ़ने की जो दृढ़ता होती है उनमें बहुत हम लोगों ने पाया है। यही कारण है कि हम लोग गाँव से बच्चा लोग को चुन चुन के सेलेक्ट कर करके इस दौरान तक आए, और अभी हमारे बच्चे जितने जगह भी स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं भगवान की दया से सब जगह हमारे बच्चे अपना नाम करके आते हैं। सरकार वुमेन्स फुटबॉल एकेडमी का नाम हमेशा परचम लहराता हुआ ही आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करेंगे कि ये बच्चे जब झारखंड वुमेन फुटबॉल लीग होगा, इंटर डिस्ट्रिक्ट झारखंड वुमेन फुटबॉल लीग होगा, तो ये बच्चे इनका पैर का जादू वहाँ भी चले। इस संभावनाओं के साथ हार्दिक अभिनंदन आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।